देखो, जब आप मीन मीडियन एंड मोड की बात करते हो तो दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज सेंट्रल टेंडेंसी। उसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है सेंट्रल वैल्यूज और सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये जो सेंट्रल वैल्यूज है, ये जो सेंट्रल वैल्यूज है, ये कौन कौन सी होती है, क्या क्या होती है? सेंट्रल वैल्यूज होता है आपके लिए मीन, मीडियन एंड मोड। इनको बोलते हैं हम सेंट्रल वैल्यूज, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, मीन इज एवरेज, एवरेज ऑफ द डेटा। इसको मीन को बोला जाता है एवरेज ऑफ द डेटा, एवरेज एक्स बार से डिनोट करते हैं इसे। मीडियन को बोला जाता है 50% ऑफ द डेटा। किसी भी डेटा का 50% वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन मतलब एक डेटा, एक पूरा, अगर आपका ये डेटा है तो इस डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है मीडियन। मीडियन इसकी सेंट्रल वैल्यू होती है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है 50% 50%। सो दिस इज व्हाट मीडियन इज। तो मीडियन आपके डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एंड द मोड, मोड इज हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ द डेटा। एक डेटा में जो भी वैल्यू मैक्सिमम टाइम्स आ रही है, मैक्सिमम रिपीटेशन, ठीक है, ऑफ द डेटा, आपके डेटा में जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी दैट इज कॉल्ड मोड। ठीक है, जो सबसे ज्यादा आपका डेटा में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि आपके डेटा में एक वैल्यू सबसे ज्यादा बार है। हिस्टोग्राम यही रिप्रेजेंट करता है ना, सबसे बड़ा वो जो बार होता है वो यही रिप्रेजेंट करता है ना, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है जिसकी। तो आपका मोड यहाँ पे लाए करेगा, इस डेटा के अंदर लाए करेगा। मोड रिप्रेजेंट द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा, राइट? तो कैसे रिप्रेजेंट करता है, कैसे हम उसे कैलकुलेट करते हैं, अभी हम इस चैप्टर में दोबारा सीखेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट सेंट्रल वैल्यूज इज। सेंट्रल वैल्यूज में क्या क्या चीजें आती हैं आपके पास? मीन आता है, मीडियन आता है एंड मोड आता है। ठीक है, इस मीडियन को थोड़ा सा फर्दर हम लोग लेके जा रहे हैं। द वन थिंग वी कॉल्ड पोजिशनल वैल्यूज। ये पोजिशनल वैल्यूज कौन सी होती है? पोजिशनल वैल्यूज में आपके पास क्या क्या आता है? पोजिशनल वैल्यूज में आपके पास आता है, अगर ये एक नंबर लाइन है, मैं कहता हूं ये 0 से लेकर 100% तक का आपका डेटा है, 0 to 100%। सो दिस 50% इज, 50% ऑफ द डेटा क्या हुआ? मीडियन, राइट? लेकिन आप इसे फर्दर भी डिवाइड कर सकते हो। वी कैन डिवाइड इट एज 25%, 75% कर सकते हैं। 25% ऑफ द डेटा एंड 75% ऑफ द डेटा। इस 25% ऑफ द डेटा को हम बोलते हैं Q1, क्वार्टाइल वन, Q1 क्वार्टाइल वन, और वी से इट लोअर क्वार्टाइल। इसे क्या बोलते हैं हम? लोअर क्वार्टाइल। एंड सिमिलरली इस 75% ऑफ द डेटा को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं Q3 अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। तो लोअर क्वार्टाइल मतलब 25%, अपर क्वार्टाइल मतलब 75% ऑफ द डेटा। तो जब आप अपने डेटा को क्लासिफाई करते हो तो आप कैसे करते हो? वी कॉल इट मीडियन। हम मीडियन निकालते हैं डेटा का, हम उसकी पोजिशनल वैल्यूज में और क्या क्या निकालते हैं? Q1 निकालते हैं, Q3 निकालते हैं, और इसी तरीके से और भी पोजिशनल वैल्यूज होती हैं। पोजिशनल वैल्यूज में क्या क्या आता है? पोजिशनल वैल्यूज में मीडियन आता है, पोजिशनल वैल्यूज में Q1 Q3 आता है, देन D1 से लेकर D9 तक आता है, मतलब डिसाइल वन। दिस डी रेफर्स टू डिसाइल,
लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है, डिसाइल। ऐसे ही परसेंटाइल होता है, परसेंटाइल 1 से लेकर परसेंटाइल 99 तक होता है, बट दिस इज नॉट इन योर कोर्स। तो परसेंटाइल, सो दीज आर कॉल्ड पोजिशनल वैल्यूज। ये सब क्या है हमारे लिए? पोजिशनल वैल्यूज। तो जब आप पूरे चैप्टर की बात करते हो सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी में, इस पूरे सेंट्रल टेंडेंसी यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये आपका पूरा कंटेंट है। दिस इज द होल चैप्टर। तो आपने चैप्टर में क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, क्या इतनी क्लैरिटी हो गई सबको, मिल गई? तो जो आपका डेटा होता है, दैट डेटा इज ऑलवेज गिवन इन थ्री टाइप्स ऑफ सीरीज। एक होती है आपके पास इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है आपके पास डिस्क्रीट सीरीज, और एक होती है आपके पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? इंडिविजुअल सीरीज इज बेसिकली रॉ डेटा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रॉ डेटा। और जिस सीरीज में आपके पास कोई नंबर ऑफ रिपीटेशन ना हो, आप ये भी कह सकते हो। जैसे आपको डेटा में क्या गिवन होगा? आपको डेटा में सिर्फ एक्स गिवन होगा, मतलब ओनली डेटा इज गिवन, देर इज नो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल। तो डेटा आपको दिया हुआ है 6, 9, 13, 17, 12, 8, 4, ठीक है, 7। सो दिस इज अ रॉ डेटा और एन इंडिविजुअल सीरीज। ये आपके लिए एक इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? ये एक ऐसा डेटा है जिसमें आपके पास एक्स भी गिवन है एंड एफ भी गिवन है, बट ये जो आपका एक्स होता है, दिस इज जनरली नॉट क्लास इंटरवल्स, दिस इज नॉर्मल डेटा विच हैज अ जंप, कि आप 4 से सीधा 6 पर आ गए, 6 से सीधा 8 पर आ गए, 8 से 11 पे आ गए। तो द डेटा इज जंपिंग, राइट? 15 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया। मैं कह सकता हूं कि एक क्लास टेस्ट में टोटल जो 4 मार्क्स आए, अगर मैं इस एक्स को मार्क्स ले लूं आउट ऑफ 20, और ये फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ऐसे 3 स्टूडेंट्स थे जिनके 4 मार्क्स आए, ऐसे 5 स्टूडेंट्स थे जिनके 6 मार्क्स आए, लेकिन ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं था जिसके 5 मार्क्स आए, क्योंकि 5 है ही नहीं बीच में, देखो। ऐसे 7 स्टूडेंट्स थे जिनके 8 मार्क्स आए, इसका मतलब 7 मार्क्स किसी के नहीं आए, राइट? ऐसे 3 स्टूडेंट्स थे जिनके 11 मार्क्स आए, लेकिन 9 और 10 किसी के नहीं आए। क्या ये बात समझ आ गई? कैसे दिया होता है डेटा? डिस्क्रीट सीरीज, दिस इज 6, दिस इज 5, दिस इज 2। तो ऐसे 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके 20 मार्क्स आए, ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके 19 मार्क्स आए, लेकिन किसी भी स्टूडेंट के 16, 17, 18 नहीं आए, क्योंकि उसकी 0 फ्रीक्वेंसी है इधर। क्या ये बात समझ आ गई? डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या होता है, बोलो? क्या ये बात क्लियर हो गई? दिस इज डिस्क्रीट सीरीज वेयर डेटा इज जंपिंग, डेटा इज गोइंग वन टू अनदर डायरेक्टली, वन नंबर टू अनदर डायरेक्टली, ठीक है। देन वी हैव कॉन्टिन्यूअस सीरीज। व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमारे पास इंटरवल्स होते हैं, सो ही वी हैव क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी। आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है, जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, एंड यू हैव फ्रीक्वेंसीज 5, 7, 9, 12, कुछ भी, वट एवर योर डेटा इज। तो दिस इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये आपके लिए क्या है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कितने तरीके की सीरीज होती है, ये बात क्लियर हो गई सबको?
हम लोग इस इंडिविजुअल सीरीज में क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मीन, मीडियन, क्वार्टाइल वन, क्वार्टाइल थ्री एंड मोड. सो दिस इज योर क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन में एक चेंज कर रहा हूँ छोटा सा. ठीक है, सो आई एम टेकिंग दिस वैल्यू एज 32. सो कैन यू कैलकुलेट मीन? मीन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? सिग्मा एक्स बाय एन, सम ऑफ दिस, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. प्लीज कैलकुलेट करो. सो मीन आपके पास कितना आ गया? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो मीन इज 23. और मोड अगर आप निकालते हो तो मोड कैसे निकाला जाता है? मोड इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और रिपीटिशन. ऑफ द डेटा सबसे ज्यादा कौन सी फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है आपके पास? देखो 32 दो बार इधर. सो द मोड इज 32. दैट्स योर आंसर. और अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी रिपीट नहीं हो रही होती तो देर विल बी नो मोड फॉर द डेटा. मोड होता ही नहीं डेटा में. क्या बात क्लियर हो गई? देखो, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग मीडियन. तो पहले हम मीडियन निकालना सीख रहे हैं. आप जब भी मीडियन निकालो, Q1 निकालो, Q3 निकालो, कोई भी पोजिशनल वैल्यू जब भी आप कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले आपको डेटा को अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. क्या आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो? दिस इज योर स्टेप वन. तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है इधर? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू? 6. इससे बड़ी वैल्यू क्या है? 7. देन वी हैव 9. देन 12. देन उसके बाद वैल्यू कौन सी है आपके पास उससे बड़ी? 12 से बड़ी 18. देन वी हैव 21, राइट? देन 32, 32, 43 एंड 50. यही आपके पास वैल्यूज. डेटा अरेंज हो गया. देखो, यस सर. नाउ द इंपॉर्टेंट स्टेप. अब आप क्या करोगे जब आप मीडियन निकालोगे? टू कैलकुलेट मीडियन सबसे पहले आप निकालोगे साइज ऑफ मीडियन. यू विल कैलकुलेट साइज ऑफ मीडियन. तो साइज ऑफ मीडियन का फॉर्मूला होता है एन प्लस वन बाय टूथ टर्म. सॉरी, टीएच स्क्वायर लिख दिया मैंने. एन प्लस वन बाय टू विथ टर्म. टोटल कितनी टर्म्स थी हमारे पास यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कितनी टर्म्स है हमारे पास यहाँ पे? 10, राइट? सो 10 प्लस वन बाय टू. तो क्या वैल्यू आएगी यहां से? 5.5. क्या यही आएगा 5.5 सॉल्व करने पे? सो दिस इज द साइज ऑफ मीडियन. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइज ऑफ मीडियन. साइज ऑफ मीडियन इज 5.5. तो अब आप मीडियन कैसे कैलकुलेट करोगे? मीडियन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ, ध्यान से समझना इसे,
वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ सिक्स्थ टर्म माइनस वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म। ये फॉर्मूला कैसे बना? 5.5 आया, सो वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म एंड 0.5 इंटू नेक्स्ट माइनस करंट टर्म, दैट इज सिक्स्थ माइनस फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। फिफ्थ टर्म क्या है हमारे पास? सो इट इज 18 प्लस 0.5। सिक्स्थ टर्म क्या है हमारे पास? 21 माइनस 18 और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इट इज 18 प्लस 21 में से 18 गए तो कितना है? 3। 3 इंटू 0.5 तो आपका आंसर कितना आ गया? 19.5। दिस इज द वैल्यू ऑफ मीडियन। अब बोलो क्या ये बात क्लियर हो गई? मीडियन कैसे निकला, कैसे आया? सो सेम स्टेप से अब हम निकालेंगे क्वार्टाइल वन, क्यू वन निकालेंगे, बिल्कुल सेम स्टेप से जैसे मीडियन निकाला ऐसे ही अब आप निकालोगे क्वार्टाइल वन क्यू वन। सेम स्टेप्स अप्लाई करने। तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप? साइज ऑफ क्यू वन, साइज ऑफ क्यू वन इट इज एन प्लस वन बाय फोर। क्वार्टर कैसे होगा? डिवाइड बाय फोर होगा ना, मीडियन हाफ होता है ना, मीडियन हाफ होता है ना, 50% होता है ना। Yes, sir. किसी भी डेटा का 25% कैसे निकालोगे? डिवाइड बाय फोर ही करोगे ना उस डेटा को, राइट? डिवाइड बाय 25% यही करोगे ना, डिवाइड बाय फोर। तो क्या वैल्यू आएगी? सॉल्व करो। 2.75। तो कितना आ गया? 10 प्लस 1 बाय 4 विच इज 2.75, यानी 2.75th टर्म। ये आपका आंसर है। तो अब आप कैसे निकालोगे इसको, कैलकुलेट कैसे करोगे? फॉर्मूला बनाओ क्वार्टाइल का जैसे मीडियन का था। बोलो क्या होगा फॉर्मूला? वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म प्लस वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म प्लस किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब वहां पे वैल्यू क्या है, पॉइंट में क्या है? 0.75। सो 0.75 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट टर्म क्या होगी? सेकंड टर्म के बाद कौन सी टर्म आएगी? सो इट इज थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। क्या ये बात समझ आ गई कैसे निकाला, फॉर्मूला कैसे आया? क्लियर है सबको फॉर्मूला? सो वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म क्या है इधर हमारे पास? 7 प्लस 0.75 इंटू 9 माइनस 7। तो सॉल्व करके कितना आएगा? 8.50। क्या बात है। तो 2 इंटू 0.75 तो कितना हो गया? 1.5। तो आंसर आ गया 8.50। ये आंसर आ रहा है? Yes, sir. So this is, चलो Q3 निकालेंगे हम डेटा का, ठीक है? Quartile 3. तो सेम स्टेप अप्लाई करने हैं, ठीक है? सो क्वार्टाइल 3 Q3 इक्वल्स टू, पहले तो आप निकालोगे साइज ऑफ Q3। साइज ऑफ Q3 कैसे निकला? 3 ब्रैकेट स्टार्ट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, दिस होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये सॉल्व करके आपके पास क्या आया? पहले साइज, साइज आपके पास आया 3 मल्टीप्लाई बाय 11 बाय 2, दैट इज 5.5।
ओ सॉरी फोर करना था यार, क्वार्टाइल में नीचे फोर होगा, टू थोड़ी होगा, तो थ्री मल्टीप्लाई बाय 2.75, तो कितना आया साइज ऑफ Q3? इट इज 8.25। तो 8.25th टर्म आपको लिए साइज ऑफ Q3 आ गया। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे? फॉर्मूला क्या आएगा Q3 का? वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। सो एट्थ टर्म की वैल्यू प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय एट्थ के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? नाइन्थ। सो इट इज नाइन्थ माइनस एट्थ टर्म, ये आपका फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो अब एट्थ टर्म की वैल्यू क्या थी आपके पास? सो एट्थ टर्म की वैल्यू थी आपके पास, देखो टेबल पे चेक करो, असेंडिंग ऑर्डर चेक करो, एट्थ टर्म इज 32 प्लस 0.25 इंटू 32 के नेक्स्ट टर्म थी 43, सो 43 माइनस 32, तो आपके पास क्या वैल्यू आई? तो आपके पास वैल्यू आई 32 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 43 माइनस 32 इज 11, राइट? तो 0.25 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 2.75। सो 32 प्लस 2.75, तो फाइनली योर आंसर इज 34.75। दिस इज योर आंसर फॉर क्वार्टाइल 3। ठीक है, दिस इज योर आंसर फॉर क्वार्टाइल 3। एक छोटा सा इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? क्वेश्चन नोट कर लेना और सॉल्व करो। आपके पास एक्स गिवन है 23, 102, 84, 65, 47, ये वैल्यूज गिवन है आपके पास सारी, 19, 77, 122, 10, 43, 69, 92, कितनी वैल्यूज हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कंफर्म, बस ये क्वेश्चन करना है सब। इसमें आपने क्या क्या निकालना है? इसमें आप सब कुछ निकालोगे। यू विल कैलकुलेट मीन, इस डेटा से आपने मीन निकालना है, आपने मीडियन निकालना है, आपने क्वार्टाइल निकालना है यानी Q1 निकालना है, आपने Q3 निकालना है और आपने मोड निकालना है। तो ये सब चीजें आपने इस डेटा से कैलकुलेट करनी है। डू इट।